नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आहोर उपखंड के नीलकंठ गांव में दलित नव दंपत्ति को मंदिर में जाने से रोका, जाति सूचक शब्दों से किया अपमानित। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। दलितों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आजादी के 75 साल बाद आज भी छुआछूत भेदभाव जैसी घटना खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में सबसे बड़ी घटना पाली में जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड मामला थमा ही था कि पड़ोसी जिले जालौर के नीलकंठ गांव में मंदिर में जाने से एक नव दंपत्ति को पूजा करने से रोक दिया। मिली जानकारी के अनुसार नीलकंठ गांव में एक दलित नव दंपत्ति शादी के बाद स्थानीय महादेव मंदिर में पहुंचे थे। महादेव मंदिर के पुजारी वेला भारती द्वारा नव दंपत्ति जोड़े को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने से भी यह पुजारी नहीं चूका। जानकारी के अनुसार बारात सांडर से नीलकंठ आई थी। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन सहित परिजन पहुंचे थे मंदिर में। मंदिर के पुजारी ने मंदिर में आए दलित दूल्हा दुल्हन सहित परिजनों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर दिया। आजादी के 75 साल बाद आज भी नीलकंठ के महादेव मंदिर में दलितों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो जालौर जिले के आहोर तहसील के नीलकंठ गांव का बताया जा रहा है। इससे पहले 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश के इंदौर से तथाकथित हिंदू धर्म के जातिवाद से ग्रस्त मनुवादियों का फरमान आया कि दलितों से बात करने पर 11,000 का जुर्माना, दलितों के घर आई बारात की पिटाई की और दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। पीड़ितों ने जब थाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया तो जातिवाद से ग्रस्त मनुओं की औलादों ने बहिष्कार कर दिया। घोषणा कर दी कि उनसे कोई भी बात करेगा तो 11,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यहां तक कि सरकारी नल से पानी लेने पर भी रोक लगा दी गई। हाल ही में 18 अप्रैल के मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया था, जहां पर अनुसूचित जाति के पुलिसकर्मी दूल्हे को मंदिर में प्रवेश करने से रोका था। जहां पर अनुसूचित जाति के पुलिसकर्मी दूल्हे को मंदिर में प्रवेश से रोकने के लिए जातिवाद से ग्रस्त मनु की औलादों ने ताला लगा दिया था। ऐसी शर्मसार घटनाओं पर बार बार वही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना अपमानित होने के बाद भी यह सूद वंश से निकले हुए दलित बहुजन आखिर मंदिर में जाते ही क्यों हैं? क्यों आज भी यह मानसिक गुलाम बने हुए हैं? क्यों आज भी यह कुत्ते की पूंछ बना रहना चाहते हैं? इसके जिम्मेदार ये खुद हैं। ये ऐसे ही पिटने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।